हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉथिट जीनियस। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप यू आर फाइन फ्रेंड्स। क्रॉथिट जीनियस में आपके लिए लेकर आई हूँ क्रॉथिट से बने हुए क्वेश्चंस कवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड माइंड बैक से डिजाइनिंग के साथ है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो और मेरी वीडियो का डिज़ाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रॉचेट से बने हुए क्वेश्चन कवर की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही लेटेस्ट एंड खूबसूरत से कलर्स को कॉम्बिनेशन के साथ है। डिज़ाइनिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत सी है। बहुत ही खूबसूरत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन कवर लेकर आई हूँ, तो आप लोग अपने बेड शीट्स के साथ मैच कर कर भी इस तरह के क्वेश्चन कवर बनवा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग भी कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना स्किप के देखिएगा। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग एंड कलरिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि क्रॉचेट से बने हुए क्वेश्चन कवर की है फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन कवर आप लोग मार्केट में से इजीली परचेज भी कर सकते हैं अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग एंड अपनी पसंद के कलर्स के साथ। और अगर चाहें तो फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन कवर आप लोग खुद भी बनवा सकते हैं अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग एंड कलरिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको आगे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, कुछ और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आपकी पसंद की डिज़ाइन लेकर आऊँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये देखिए फ्रेंड, इसकी डिज़ाइनिंग भी जो कि बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग एंड आउट क्लास ही है। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।